गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छा हूँ, होपफुली आप भी सब अच्छे होंगे। आज है 18 अगस्त, अभी बज रहे हैं 7:30 सुबह की। एक घंटा पहले उठ गया था, फ्रेश फ्रेश होके अपना चाय पी के आया हूँ। यहाँ पास में दुकान है, बहुत अच्छी चाय बनती है वहाँ पे। हर रोज़ लगा मेरा वही काम है। अब बात की जाए पूरे दिन के शेड्यूल की, तो वो ऐसा सिस्टम है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आज कर रहा क्या, क्योंकि आज ना तो कोई इंटरव्यू की कोई डेट है या फिर कहीं जाना आना कुछ नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ। हाँ, एक काम तो रोज़ का होता ही है, व्लॉग एडिट करना, वो भी करना ही है। साथ में मैं इससे सोच रहा हूँ कि जो मेरा कंप्यूटर है उसको वापस उसी शॉप पे ले जाके उसको सही करवा लूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशानी दे रहा है। आवाज़ में, साउंड में चर चर की आवाज़ आती है ना, तब बहुत दिमाग ऐसे ख़राब हो जाता है कि इतना पैसा लगा के भी वादे वो कंप्यूटर पे अटक गया मैं। तो वो करने की सोच रहा हूँ। और साथ में मैं सोच रहा हूँ कि मैं चिड़ावा जाया हूँ, क्योंकि वहाँ पर मेरा एक वो है, हमारे जानकार हैं योगेश जी हैं वहाँ पर। मैं 2017 में एक उन्होंने गूगल कैफे स्टार्ट किया था, और वहाँ पर मैं काम किया था, 2 साल से ऊपर काम किया था। और अब उन्होंने अलग होके उन्होंने अलग कैफे स्टार्ट किया। उन्होंने मेरे को इनवाइट भी किया था, पर उस दिन मैं बिजी था। पर मैं सोच रहा हूँ अब मैं जाया हूँ, पर देखते हैं क्या टाइम निकलता है, किस तरह से क्या निकलता है। जैसे टाइम निकलता है वहाँ पर मैं जाता हूँ। और देखो, एक तो मेरे को वो इंडियन आइडल वाला भी कन्फर्म नहीं हो रहा कि वो 21 तारीख को है, 22 तारीख को है कि नहीं है, क्योंकि कोई ऑफिशियल कोई साइट है वहाँ से मेरे को कोई न्यूज़ मिले, इस तरह से मिले तब तो मैं सोचूँ भी। और बात की जाए काम की, तो सच बताऊँ तो मेरे सारी सेविंग्स जा चुकी हैं, 500-700 कुछ रुपए बचे हैं लास्ट, उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। काम करूँ तो अभी तो करूँगा ना, जब मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ अब काम करने का टाइम स्टार्ट हो चुका है। पहले इंडियन आइडल वाला ख़त्म कर लेते, फिर उसके बाद में ये सब स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं अब आगे क्या करते हैं। आज के दिन में तो मुझे इतना कुछ आइडिया है नहीं, अभी थोड़ी देर बैठ के सोचेंगे क्या करना है, किस तरह से कुछ शेड्यूल बनाता हूँ। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जोए को जब से लेके आया हूँ ना, मैं यहीं पे लेके आ रहा हूँ, यहीं पे रहता था वो, मतलब यहीं पे घूमता फिरता रहता था, अंदर चला गया ऊपर आ गया। मैं आ जाता था तो मेरे बीच यहाँ पैरों के बीच में यहाँ आके बैठ जाता था, उसकी हमेशा ही आदत थी। जब से मैं मुंबई गया हूँ तब से उसको घर पर छोड़ के रखा मैंने, और अभी मेरे कुछ काम ख़त्म नहीं हुए हैं तो मेरा इधर उधर जाना आना रहता है, तो मैं अभी लेके नहीं आ रहा हूँ। घर वालों को भी इससे इतना चाव हो गया ना कि घर वाले कह रहे हैं कि बेटा तू अगर तू यहाँ छोड़ सकता छोड़ दे, हमारा मन लग रहा है इस साथ। तो मेरा भी ऐसा हो रहा है यार, काश घर वाले होते मेरे साथ में, तो क्या होता कि फिर मैं ना शाम को काम करके आता या फिर दिन में कुछ भी, तो मेरा ये टेंशन फ्री रहता कि हाँ जो भी आराम से रह रहा है, उसके भी आड़ोस पड़ोस में कुछ कोई ना कोई रहता। ये चीज़ ज़रूरी है कि मैं अब अपना थोड़ा लाइफ स्टाइल में थोड़ा चेंज करूँगा। पहले क्या, मैं पढ़ा रहता था, पढ़ा क्या रहता था, मैं बिना काम ही करता था, बहुत सारे स्टूडेंट आते थे उनको संभालना, पूरा दिन बिजी ही रहता था। मैं क्यों बोल रहा हूँ पढ़ा रहता, पढ़ा कब रहता था, काम ही करता था। पर अब मैं कोशिश करूँगा कुछ नया नया एक्सप्लोर करने की, साथ में आपको भी एक्सप्लोर कराने की। इसमें दो फायदे होंगे, मैं भी एक्सप्लोर कर लूँगा, व्लॉग भी बन जाएगा, आपको भी कुछ नया देखने को मिलेगा, नया सीखने को मिलेगा, कुछ और फास्ट करेंगे ज़िंदगी भागने का इनाम भागेंगे थोड़ा सा। मुझे लगता है आज का पूरा दिन मैं यहीं पे निकाल दूंगा सोचते सोचते। अभी भी मुझे याद आया, जब मैं जर्नी पे था तो मुझे दो लोगों ने विशेष तौर पे मेरा बहुत ख्याल रखा था, कॉल करते थे, इस तरह से मैसेज भी बातें। एक तो है ऋषि जी, जो मेरी मुंह बोली बहन है, एकता, उससे मिला हूँ आपको मैं, उनके हस्बैंड हैं। और एक आशीष तंवर, वो मेरा जानकार कह सकते हैं, दोस्त भी है, दोस्त वैसे वाला दोस्त नहीं, बेस्ट फ्रेंड इस तरह से नहीं, 10-11 साल पहले हम मिले थे और बहुत अच्छी जानकारी हुई थी। तो इन दोनों ने यही कहा था कि जब भी आओ आप हमें ज़रूर बताना, हम मिलेंगे। तो मैं इन दोनों को कॉल करने वाला हूँ, देखते हैं अब क्या बोलते हैं वो, कहाँ पे हैं। तो ऋषि जी का तो फ़ोन आ रहा था बिजी, और आशीष अभी सो रहा है, उसने फ़ोन उठा के उसकी आवाज़ से पता चल गया था। तो अभी तो उसका उनका कोई प्लान नहीं है। अभी ऋषि जी से बात हुई है, और उनकी अभी क्या खेतान में ड्यूटी है, यहाँ पे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ धरना प्रदर्शन होता रहता कुछ ना कुछ, और ऋषि जी ने मुझे कुछ एड्रेस बताया आपके पास अस्पताल इस तरह से कुछ है, तो वहाँ पर मैं जा रहा हूँ आगे। खेतान अस्पताल है यहाँ का सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो ये है ऋषि जी जिनका मैंने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले। मैं यहाँ पे बैठा हूँ हॉस्पिटल में, थोड़ा सा टाइम दिया है मैंने, मेरी ड्यूटी है, ड्यूटी टाइम पे मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा। तो यहाँ पे हम बैठे हैं, थोड़ी चर्चा कर रहे हैं कि कैसे क्या रहा, और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इन्होंने बहुत चिंता की थी मेरी। मैंने बीच में बताया था आपको कि हर रोज़ इनका कॉल आ जाता था, पूछते थे, बताते, कोई सजेशन होता था वो देते थे। आप जिनसे बात हो रही है, ऋषि जी के बारे में एक बात बता देता हूँ कि ये वो बंदे हैं जो कहते हैं सबसे पॉजिटिव बंदा कहते हैं वो हैं। ऊपर से क्या, इनके थॉट इतने अच्छे होते हैं, इतना अच्छा सजेशन देते हैं। इन्होंने यूट्यूब वाला मेरे को आज से लगभग भी नहीं तो 7 साल पहले 2016 में इन्होंने मेरे को सजेशन देते थे कि राकेश जी आप यूट्यूब पे वीडियो डाला करो, कैसे क्या करो वो, अब देख लो इतने सालों बाद अब स्टार्ट किया मैंने। पर चलो देर से ही मैंने स्टार्ट तो किया, पर इनका सजेशन था। ये जितना भी सजेशन देते हैं वो मेरे माथे में रहता है कि हाँ इन्होंने ऐसा बोला, और वो बाद में करता ही हूँ।
थोड़ा देर से ही पर करता हूँ, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी। हम तो बस आपके भले के लिए करते हैं, जो भी कुछ करते हैं। अब आज के टाइम में ऐसे कोई नहीं बोलता किसी के लिए, किसको टाइम है भाई, किसी को टाइम किसी के लिए कोई नहीं निकाल रहे, अपनों के लिए तो टाइम निकालना ही पड़ता है, टाइम नहीं होता तो भी निकालना पड़ता है। हाँ आपको दूसरे थोड़ी हमारे लिए वही है। एकता भी जयपुर है, वो बच्चे के साथ उसकी क्या वहीं पर पढ़ाई वगैरह सब कुछ वहीं पर रह रहा है, तो वह वही है। और अभी वो आएगी रक्षाबंधन पे तो आपको उससे मिलवाऊंगा मैं। अभी हुआ क्या है मैं आपको चीज़ बताता हूँ, ऐसे होने चाहिए बंदे, इन्होंने क्या किया, जो भी स्टाफ था इनके आसपास में सबके मोबाइल लिए, ला मोबाइल दे, सबके चैनल मतलब जो मोबाइल होते हैं उनकी यूट्यूब चैनल से मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब किया है। तो मेरे को एक आइडिया भी मिला है कि जितने भी मेरे जानकार हैं सबके मोबाइल लूँ मैं, ज़्यादातर लोगों ने तो सब्सक्राइब किया होगा तो कई लोग क्या भूल जाते हैं, तो सबके मोबाइल लूंगा और उनसे सबसे सब्सक्राइब कराऊंगा अपना, देखते सब है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज सब्सक्राइब। आप भी ये काम कीजिएगा, जितने भी दोस्त मिले ना आपके उनसे मोबाइल लीजिए कि यूट्यूब एक बार खोल के दे, उसमें मेरा नाम डालना है और सब्सक्राइब करना है, ये आप करिएगा प्लीज। तो अभी मैं जा रहा था और ये एक बंदा मिला है जिसका नाम योगी और ये बंदा इसकी कहानी ये है, एक तो ये इस जगह पे मिलेगा और एक जगह और है पर्टिकुलर उस पे मिलता है, हमेशा वहीं पे मिलता है, वहीं पे मिलेगा 100 मीटर के रेडियस में, ये रेडियस है उसमें पता नहीं क्या ही है कि प्रभाव की वहीं पे मिलेगा। और ये मेरा दोस्त है एक तरह से, और इसने अभी भी मेरे को बहुत बधाई दी है और इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया। पार्टी पेंडिंग चल रही है अपनी भी, कोई पार्टी वार्टी नहीं, बहुत खर्चा हो चुका है पहले से, लूट चुका हूँ मैं बैंकर, ये लोगों को ऐसा लग रहा पता नहीं मैं क्या कमा के आया हूँ, कमा के नहीं खाओ। ऋषि जी से मिलके आ गया हूँ और एक नाश्ता भी कर लिया थोड़ा सा, अभी जा रहा हूँ मैं आशीष के पास में। तो ये है वो आशीष जिसकी मैं बात कर रहा था, जिससे मेरे 10-11 साल हो गए, मेरे जानकार दोस्त नहीं है, इसको दोस्त मत मान लेना आप, सिर पे मत लगाना, जानकार है। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 12:01 बजने वाले हैं और मैं कोई स्पाइसी खाने का मन किया तो मैं अभी 1.5 स्ट्रीट है यहाँ पे झुंझुनू में, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं यहाँ पर काम किया हुआ हूँ 5-6 साल पहले, मैंने लाइव यहीं पर प्ले करना स्टार्ट किया था, जो ऑडियंस होती है उनके बीच में लोग आते थे खाना खाते थे इस तरह से, मतलब फास्ट फूड का कैफे है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी जा रहा हूँ मैं अभी खाना के। और एक चीज और अपडेट दे देता हूँ, कल से शूटिंग हो रही गाने की, तो उसके लिए मैं आज ही निकल रहा हूँ वहाँ पे, मैं उनके साथ थोड़ा बातचीत करूँगा, उनके साथ मेरे दोस्त हैं एक तरह से, वो डायरेक्टर साहब इस तरह से, तो वहाँ का दिखाता हूँ पहले कैसे चलते हैं। तो ये है 1.5 स्ट्रीट बेसमेंट में है, वैसे तो मैं बहुत बुरा मानता हूँ इस चीज़ को, ये किसी को ऐसा किस पैसे देना इसके लिए खिला दो कुछ, पर जब कोई बच्ची होती है इस तरह तो थोड़ा सा जी अजीब सा हो जाता है, निकल सा जाता है। अभी मैं जा रहा हूँ पिलानी, कल शूटिंग है उसके लिए मैं सोच रहा हूँ पहले चला जाऊँ, और हमारी बात भी इस तरह से हुई है तो मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा बिखरा हुआ है अजीब सा लगेगा पर दिखाता हूँ। इसके अंदर मैंने 2-3 सूट डाल लिए हैं कि कभी जरूरत पड़ जाए, मतलब ऐसे कंफर्म नहीं है, मैं अपनी तरफ से लेके जा रहा हूँ इसके ये तो वैसे अलग रख दिए थे मैंने, इसके अंदर बहुत सारा सामान है आप देख सकते हो, इसके अंदर डाल लिया मैंने जरूरी सामान, तौलिया हो गया, जूते हो गए, कुछ कपड़े भी हैं नॉर्मल, और ये गिटार है अपना, और चार्जर वगैरह सब जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो मैंने डाल लिया। और मैं अब यहाँ इसको लेके निकलूँगा, अब देखो पिलाने जाना मुझे इतनी दूर, आज नहाया भी नहीं हूँ, पर देखते हैं वहाँ जाके अगर हो सके तो नहा लेंगे, पर अभी तो यही चल रहा है, कंजस्टेड सा चल रहा है, सब कुछ बिखरा पड़ा है इधर से उधर, कुछ तरीके से नहीं हो रहा है एक तरह से। चलो बढ़िया काम करने को मिल रहा है एक तरह से, एक्साइटिंग है सब कुछ। Thank you.
5 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे पिलानी पहुँच गया हूँ। यहाँ पे एक पंप है, लोकेशन होती है जहाँ पे मुझे उतरना होता है, यहाँ पे क्या लेने आ जाते हैं फिर मेरे को वो। अभी आशीष हो शायद मोहित हो सकता है, उनमें से कोई भी आ सकता है, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। अपना यहाँ पे बैग पड़ा है, हाथ में अपने सूट है और पीछे मेरा गिटार लगा हुआ। क्या, अरे क्या फ़ायदा है ऐसे कार का जिसमें भरे हुए हों। देखो एक दो और दो आगे बैठे हैं और मेरे को लेने आए, इतना सारा सामान है और मेरे को लेने आए हैं। मेरे को डिग्गी में डालोगे क्या? ये आसिफ, ये हमारे डायरेक्टर साहब मोहित, और ये हमारे मिक्सर मास्टर, और ये हमारे एक म्यूजिक प्रोडक्शन करते हैं। ये यमराज ब्रो, आपका दिख रहा है पीछे आपको उसमें। अरे यार यही तो चाहिए था, पैसे हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। मैंने कवर में पैसे डाल रखे ना, मैंने बताया था आपको, उसकी बात हो रही है। अरे बस बस देखो कितने हाथ, अरे ये कौन लेगा फिर? आपको भी मिल लेते हैं बॉलीवुड तक एंट्री होने के बाद पैसे पैसे 200 के नोट एक मुहित हो। अब मिलते हैं कल। तो आज मेरा भव्य स्वागत हुआ है। बस कोहली को आरती भी खुनती सर्दी, आरती आरती वन आरती। अरे यार आरती होनी चाहिए। अभी भी सर जी विश्वास हो रहे को नहीं हो रहा था, पार्क में लाग कौन रहा था फूल तोड़ना ना, इन्होंने न्यूली रखी फूल मतलब छोरी ना चुकली। लोग बेचारा एडिट करते रह जाओ। तो ये है पिलानी में यमराज क्रू स्टूडियो, यहाँ पे मिक्सिंग मास्टरिंग सब कुछ यहीं पे होता है। काम जो अपना बोलते हैं ना कि पोस्टर का हो गया या फिर एडिटिंग होगी, सब कुछ यहीं पे होता है। मैं भी यहीं पे आता हूँ सीखने के लिए। हमारे टीचर साहब ये हैं, आसिफ, आसिफ ब्रो बोलता हूँ मैं इनको, यहीं पे मैं सीखने आता हूँ। सप्ताह में 2-3 बार आ जाता हूँ यहाँ पे मैं। तो ये है अंदर का दृश्य, विहंगम दृश्य। गाइस देख लो एडिटिंग चल रही है। ये हमेशा अंधेरे में रखते हैं, इनका भविष्य दिख रहा मुझे। आपके साथ प्रैंक हो गया, दिख रहा हूँ। अरे यार इतना अंधेरा क्यों भाई? कोई दिख ही नहीं रहा, सिर्फ दान दान दिख रहे हैं। ऐसे कह रहा हूँ यार, एक चीज तो रहेगी, बाकल मिलते वो चांदना नहीं हो रहा, चांदना नहीं हो रहा। हमारे डायरेक्टर साहब यही हैं, कल यही शूट करने वाले हैं। इससे पहले भी इन्होंने किया था डायरेक्शन, और जो कि डायरेक्टर को लाइट मिलेगी। ये स्टूडियो हमारा, यहीं पे बहुत बढ़िया म्यूजिक बनता है। सिस्टम यही पाड़ा जाता है, ये देख लो। पिलानी में एकमात्र स्टूडियो यही है जहाँ पे म्यूजिक बनता है, प्रोफेशनल बॉलीवुड के टाइप। तो ये गाने के, हमारे गाने के दूसरे प्रोड्यूसर सिस्टम सिस्टम। हेलो कैसे हो? गेट खोलने को ही भाई क्या है? ये हमारे लेखक साहब हैं, इधर आओ। लिरिसिस्ट हैं ये हमारे। सर जी सुकून सॉन्ग इसने लिखा है सर जी? फपून 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 सॉन्ग सुकून सुकून क्या सुकून सुकून। अभी आपके साथ फ्रैंक हो रहा था। सर आप तो मुंबई गए, लेकिन आपका सीन चेंज एक दिन मैं ही करूंगा। आपने पहली सीटी ली है, जब तक मैं पहुंचा धक्का मारेगा। अभी मोहित जा रहा है घर पे, वो खाना लेके आ रहा है मेरे लिए, और आसिफ ब्रो भी जा रहा है, आसिफ ब्रो से कल मिलेंगे। और हमने एक गाने का कुछ हुक पार्ट बचा हुआ था, वो हमने कंप्लीट कर लिया है, उसका कल परसों जब भी होगा मिक्स कर लेंगे। इसके साथ दिल की दुआ कंप्लीट हो चुका है, उसकी शूटिंग बाकी है, और एक सुकून गाना उसका हुक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, तो वो भी खत्म हो गया एक तरह से, उसका भी शूट करेंगे। हाँ उसका भी शूट साथ में होगा। एक गाना और है जो मैं यहाँ से चला था, तब वो गाना देखे गया था, कोई मेरा स्टूडेंट बनने वाला था, उसने मेरे को कहा था कि सर आपके आवाज़ में एक गाना शूट करवाना है, रिकॉर्ड करवाना है, सॉरी। वो शूट भी मेरे को पता नहीं होगा नहीं होगा, जो भी है, पर वो करेंगे। ओके ओके मिलते हैं कल। हाँ हाँ
ओके हाँ अभी मिलते हैं। ये नाटक होते हैं यहाँ पे, ये दरवाजा आसानी से नहीं खुलता। पासवर्ड मांग रहा। आपका क्या नाम है, आपका क्या काम है, किससे मिलना है आपको? अरे रे रे। असली जिंदगी यहाँ पे जी जाती है कसम से, जो कहते हैं ना मुखचोदिया बोलते हैं। यहाँ होती है, बहुत मजा आता है कसम से, यहाँ के बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो अभी 10 बज रहे हैं और अभी खाना लेके आए हैं और साथ में एक नई चीज भी लेके आए हैं कि वो मॉडल जो हमारी है वो रात को 2 बजे पहुंचेगी यहाँ पे। भाई मुझे नहीं पता, मुझे तो सोने को चाहिए। लेके आओ। तो मैं डायरेक्टर साहब पुनीत और अपने लेखक साहब हम खाना खा रहे हैं, बस इतना ही है। और हमारे सिंगर साहब हैं हमारे विमल काला जी, वो भी आए हैं आपसे मिले हैं, और कैमरा मैन है आसिफ, और मैं ये डिलीट कर दूंगा एक भी। दोस्तों अभी गुजरे हैं 11 और हम सब अभी गपशप लड़ा रहे थे बहुत ज्यादा थे, अभी 2 बजे वापस उठना पड़ेगा। मैं नहीं उठूंगा भाई, मैं सोऊंगा, मेरा मस्त आपको उठना पड़ेगा। मैं नहीं उठूंगा, मैं आराम से सोऊंगा। हाँ वो कोई भी आओ कोई भी जाओ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक देखा। कल शूट डे है तो कल का हो सकता है ज़्यादातर टाइम मैं ना व्लॉग बना पाऊँ, कोई और बनाएगा, असिस्टेंट रखेंगे किसी को ना किसी को, एक को। ये कौन आदमी है जो दिख नहीं रहा? हाँ। देखो सर जी, बस आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट, आई लव यू। तो अभी बज रहे हैं रात के 11 और अभी मैं सोने जा रहा हूँ। 2 बजे मॉडल आएगी, वो काम डायरेक्टर साहब इनका है, पर हो सकता है मेरी भी नींद खराब हो उसकी वजह से, और कल शूट डे रहेगा पूरा दिन, तो हो सकता है ज़्यादातर शूट किसी और को दे दूँगा मोबाइल की, वो शूट कर ले व्लॉग का। आज का इतना ही है, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट।